मौसम आज अच्छा है और लकीली 3 दिन की हमारी छुट्टी है, तो इन 3 दिन की छुट्टी में हम थोड़ा आउटिंग पे निकले हैं फर्स्ट टाइम विद फैमिली। और ये अपने सब साथीगण ओपी सर, मैडम, मेरी मैडम, गबरू जवान सैंडी सर जो कि आग लगा देते हैं कहीं भी, आपने अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे काम के लिए जाने जाते हैं। भाई साहब भी हैं इधर, वो है आग लगाना। आग लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं इस ट्रिप में कितनी आग लगेगी। और उधर नेटवर्क नहीं आते हैं, सिर्फ BSNL आते हैं नेटवर्क, इसलिए जो लोग फोन पे ज्यादा ही बिजी रहते हैं वो वहाँ जाके फ्री रहेंगे। कोई बात नहीं, हम ब्लॉगिंग करेंगे। अच्छी बात भी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन के लिए सचमुच का एक ट्रिप होगा, खुद को टाइम देंगे, खुद को टाइम देंगे। मैंने उसको वीडियो भी तो भेजी थी एक, वही मैं इनको दिखा रही थी। वैसे अक्सर हम खुद को ही टाइम देते हैं, तो ठीक है, जर्नी में जो भी आता रहेगा बीच बीच में अपडेट रखेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, शूट करेंगे और शेयर करेंगे, दिखाई देंगे। यहाँ पर काफी सुहावना मौसम है आज, जैसे कि देखा जा सकता है, और ये अच्छी बात है। जब हमने ट्रिप शुरू किया तो मतलब आज मौसम भी एकदम बढ़िया, मौसम घूमने लायक, मौसम ज्यादा गर्मी भी, मौसम भी बहुत खुशी है, बहुत अच्छा मौसम। और हमारी ये वैनिटी वैन, इसमें मेकअप वगैरह का सामान सब कुछ, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे शावर भी ले सकते हैं आप लोग, जी हाँ। और तैयारी की बात की जाए तो तैयारी तो हमने एक कदम एक्स्ट्रा की है, मैडम तो प्रेशर कुकर भी लेके आए हैं साथ में। हम लोग यहाँ पे केस रोल में मछलियाँ पैक करके लाए हैं और काफ़ी आनंदमयी ये ट्रिप हो सकती है। मौसम एकदम बेहतरीन, सुहावना मौसम, मौसम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हमारे जनाब। मौसम लगता है इसे बेईमान करके रहेंगे, बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम, क्योंकि हम कोई छोटा मोटा एडवेंचर नहीं करना चाहते। ये हमारा 3 दिन का एडवेंचर है, 3 दिन की ट्रिप है, काफी कुछ। तो पहले दिन हम पहाड़ों पे बर्फ पिघलाएंगे और दूसरे दिन हम नदी में पानी सुखाएंगे, नदी में पानी सुखाएंगे। अच्छा, ये जगह कारू है, हम नीचे जाएंगे और ये पेंगोंग, ये रोड ऊपर पेंगोंग की तरफ जा रही है, हम मनाली रोड पे, ये वाली रोड मनाली रोड है जिस पे हम जा रहे हैं ना। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 180 क्या 200 किलोमीटर होगा। हाँ मतलब यहाँ से हम आगे उपसी से कटेंगे, उपसी गांव आएगा, उपसी से कट जाएंगे। अच्छा अच्छा, और वहाँ का टेम्परेचर बढ़िया हुआ। 5 मिनट का स्टॉप लिया है और नज़ारा देखो क्या बेहतरीन है, शानदार। मौसम भी बहुत अच्छा है तुम्हारे टाइम। नहीं अब मैं मौसम के पीछे नहीं पड़ूंगा, जहाँ आप जाएंगे ना, मौसम एक बार बता दिया है ना, वहाँ माइनस में रात को टेम्परेचर, और यहाँ माइनस में नहीं, यहाँ बहुत अच्छा हो गया आजकल वेदर। माइनस में तो 2-3 महीने से नहीं देखा टेम्परेचर यहाँ पे, नहीं क्यों नहीं देखा, नाइट में तो होता था। खुशी यहाँ पे नजर आ रही है अपने सहपाठियों के खेमे में, बहुत सुहाना और काफी धूप खिली है, खिली धूप। अभी हम नदी किनारे खनन माफिया के खिलाफ जो अभियान चला है, हम रेता निकलने नहीं देंगे, नहीं देंगे। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगाई है और सामने ये बहुत ही शानदार व्यू। जोक सपाट, हम एक्चुअली यहाँ पे कुछ सैंपल लेने के लिए आए, बिल्कुल। तो और ये इसकी टेस्टिंग होगी लैब में, होगी लैब में, जी हाँ।
और जो दोषी पाया जाएगा उसको कोड़े बरसाए जाएंगे। कितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बारे में हमें पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक लो तुम्हारा बीच पे जाने का वो भी पूरा हो जाएगा, ये बीच ही है ऑलमोस्ट। ना लो तुम। और यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया है बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत ही शानदार, मतलब क्या व्यू है। किधर को भी बैठ जाओ यहाँ तो। और ये नदी सिंधु नदी, एकदम ग्रीन वाटर, जिधर देखो उधर नजारा। तुम एक काम करो, इसमें मछली ढूंढो तुम। और ये हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी है। मेरे हाथ में रोटियां हैं तो रोटियों को मैं रख देता हूँ। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने रोटियां पैक की हैं, करेले हैं और कुछ मैं दिखाता हूँ। फिश बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया। और ये बहुत ही, ये मनु सर के द्वारा बनाया गया फिश बहुत ही बेहतरीन, देखने में बहुत ही लजीज। शुक्रिया शुक्रिया। 11:30 बनाएगा। और हमारे पास अभी बहुत कुछ है खाने की, खाने में करेले हैं। जी हाँ। इसमें मैम ने बरवा करेला बनाया है और ये बहुत ही बेहतरीन, देखिए। अरे बहुत ही खूबसूरत। और मैंने और दिखाइए क्या है, जखीरा। जखीरा ये क्या क्या माल मसाला लेके आए हैं। पूरा जखीरा है। ओहो ये तो कल तक चलेगी लग रहा है। और ये चपातियाँ बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, घी लगे और शानदार। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और बहुत कुछ है। और ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट सब्जियाँ नॉन वेज सब है। चलिए बैठिए। ये हमारे सर्वर हैं जो कि सबको सर्व कर करके दे रही हैं। मेरा कहाँ है सर, ओपी सर मेरे को सबसे छोटे वाला करेला दिया। अभी एक और दूंगी, खाओ तुम। आज कम है पानी, ये ना इंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुरु जी हमारे कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि बहते पानी कभी गंदा नहीं होता, इसलिए उन्होंने कुल्ला वुल्ला सब कर लिया। स्वच्छ नदी है बिल्कुल, और इसका पानी कभी गंदा नहीं होता। बिल्कुल, ये तो मैले लोगों को साफ करती है। क्या बात है, आज का परम ज्ञान, आज का अध्याय। पहाड़ों की जीवन दायिनी होती है। वाह, आदमी यहाँ आके मोक्ष को प्राप्त करता है। ओहो, मैं तो सभी को कहता हूँ कि नदी किनारे आओ और मोक्ष ले लो, और मोक्ष लो, कूदो। यहाँ पे हमने देखी एक मछली, बड़ी शांति से तैर रही है, रिलैक्स कर रही है वो। गई 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 मुड़ी। है मतलब यहाँ पे फिश। आंखें चार हो गई मछली देख के। देखो सर, देखो अंडे अंडे अंडे, ये देखो मछली हो गई, देखो छोटे सारी मछलियां आई किनारे में दी अंडे। हाँ, वो भाग गई उधर जा रही है, चली गई। बड़ी अच्छी मछली है, हमारे साथ रुकी है। तुम क्या कह रही थी, भून के खाएंगे इसको? हाँ। अरे भाई जीव जंतुओं को भी जीने का हक है, उनको जीने दो। जो तुम खाते हो, उधर भाग गई हो मछली। आओ चलो बहुत दूर जा। अरे मुझे शेल मिल गया। शेल मिला, शेल क्या है ये, इस पे अच्छा ये तो है। खोज की जाएगी इस पे। किस चीज का है ये? अरे इसके अंदर है सर, अभी जिंदा है ना, पानी में डाल देता। डाल दो इसको पानी में, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। Now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, me too, that I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 2 hours later. और यहाँ पर हम रुके हैं लंच के लिए। खूबसूरत मैदान भी है और ये नदी भी है। और ये देखो कुकर ही उठा लाए सुबह जल्दी में। दिखाओ सर कुकर। वो
अब यहाँ से नीचे जाने का टास्क है और ऐसे से कैसे जाएंगे पता नहीं, लुढ़क के तो चले जाएंगे। हाँ यहाँ बना रखा है, मिल गया रास्ता, मिल गया फाइनली। ये हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है, यहाँ पे गाड़ी रोकी है, ऊपर रोड है, रोड से हम लोग नीचे आए हैं यहाँ पे लंच करने। ओ सामने वहाँ पे घोड़े हैं, अरे गधे हैं, सॉरी। चलो उन्हीं के परिवार से हैं। उधर फोटोग्राफी चल रही है, फोटोशूट, इधर हमारी मैडम। चल वाह। और ये हम यहाँ पे अपना पूरा प्रेशर कुकर सामान वामान पूरा लेके आए हैं, फिर से भूख लगाई है। बीच में थोड़ा रास्ता खराब था बट अब रास्ता एकदम शानदार हो गया है। यहाँ पे एक भी नजारा ऐसा नहीं है जो कि मिस करने लायक हो, सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। अब हमने अपना थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किया है, हम दो लोग पीछे आके बैठ गए और गाने का पूरा आनंद लिया जा रहा है। सही बात। यहाँ पे इस तरह से गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव। दूर एक छोटा गांव है, रिसोर्सेस पूरे हैं यहाँ पे, खेती होती है, इधर नदी है पूरी पीछे वहाँ पे। और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे आज की, हनले में। ये लास्ट विलेज है यहाँ पे, और यहाँ की एक खास बात ये है, ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम रुके हैं, और गेस्ट हाउस के पीछे आप अगर देख सको, ये पीछे जो ऊपर है वो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वो 6 बजे तक खुलता है। लेट्स सी अगर हम जा पाए वहाँ पे। यहाँ दो पंक्चर स्कूटर भी है। वाह ये तो बहुत तगड़े स्कूटर लग रहे हैं मेरे को। अगर आप पेंगोंग ना पहुँच पाए तो इस स्कूटर का, स्कूटर पे आप दो फोटो क्लिक करके जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ की वर्ल्ड फेमस बकरियाँ और वो दूसरा कुत्ता क्या बोलते हैं, तिब्बतन मैस्टिफ है। अच्छा पीछे है मैस्टिफ है, नहीं वो खतरनाक है ना, तिब्बतन मैस्टिफ है। तो यहाँ पे अपनी बकरी, इसके सींग देखो कैसे हैं। अब चल के अपना गेस्ट हाउस चेक आउट करते हैं, पूरे आसमान में सिर्फ एक ही बादल है, वो भी दिल के शेप पे बन रहा है। चलते हैं अंदर। ये अपना गेस्ट हाउस है यहाँ पे, ये हमारे सैंडी सर, ये कहीं आग लगाने जा रहे हैं। उधर ऑफिसर का रूम, इधर अपना रूम, ये हम हैं, ये हमारे कुकर हैं जो हम सड़कों पे लिए घूम रहे हैं तब से। ये हमारा रूम है, डबल बेडरूम यहाँ से, ट्रिपल बेडरूम, अरे हाँ तीन का यार। बाहर का व्यू, जानवर देखेंगे यहाँ से। ये टॉयलेट, मस्त टॉयलेट है, अब प्रेशर अच्छा आएगा टॉयलेट में। बढ़िया है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, मस्त है। कभी आना हो इस साइड को तो यहाँ अच्छा है। ये सैंडी सर का है, देखें सैंडी सर का। यहाँ तो तीन बंद, चार पांच बंद,
यहाँ तो बारात रुक जाएगी आपके कमरे में, बस वहीं तो जाएगी अपने कमरे में, बारात तो नहीं रहेगी, पार्टी नहीं रहेगी होगी। ऊपर देखो कितना अच्छा है, पर्दे निकाल दे मैडम, ये तकिए भी यहाँ से विजिबल है, स्पेस लेबोरेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही नहीं। पर खाना भी रेडी हो चुका है, डिनर, ये चटनी बहुत टेस्टी है और ये बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी, दाल, घी की खुशबू आ रही है इस दाल से, और रोटी और राइस। मुझे ना एक उसमें ये सब्जी और चटनी दे दो, मैं उसके साथ लूंगा। और यहाँ पर लगा हुआ है टेबल, एक दो तीन, अब हमने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, हम दोनों कर रहे हैं रेस्ट। और ये आइए इधर, क्या नाम? स्टेंजिन, स्टेंजिन पेट्रो, स्टेंजिन, स्टेंजिन पेट्रो, 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 स्टेंजिन पेट्रो। पता नहीं हमें तो नाम समझ नहीं आ रहा, स्टेंजिन पेट्रो है, हाँ है ना, स्टेंजिन पेट्रो। ले ले आई, कभी ले आई है? ले ले लद्दाख, ले ले चलेंगे हमारे साथ, हम ले से आए, चलेंगे वहाँ पे, वहाँ मजे करेंगे ले में, ठीक है, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल है। हाँ। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। पक्का? इस कैमरे में देख के बोलना है, अब बोलो, स्कूल जाना? हाँ। बड़ी क्यूट बच्ची है।